हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है कंजंक्शंस के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर के सभी कंजंक्शंस को देखेंगे। एक एक करके सभी कंजंक्शंस को मैं कवर करूंगा और उनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट्स को आप समझ पाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद प्रैक्टिस का रोल है। प्रैक्टिस के लिए englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक अगर आपके पास है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं englishwale.com से फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मैं आपके लिए एंड्रॉइड ऐप भी डेवलप कर रहा हूं जिसमें आप करेंगे ये कि जब आप कॉन्सेप्ट्स को वीडियोस के थ्रू सीखेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना परफेक्शन आएगा उस कॉन्सेप्ट पे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंजंक्शंस के 38 कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। देखिए आपके सामने है बट का यूज लेकिन, बल्कि या सिवाय के सेंस के लिए, For, as, because और since, क्योंकि या चूंकि के सेंस के लिए। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि for तो एक प्रेपोजिशन है। देखिए for का यूज या since का यूज प्रेपोजिशन की तरह भी होता है और कंजंक्शन की तरह भी होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद सभी कंजंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल का यूज भी के सेंस के लिए। उसके बाद एज एडजेक्टिव, एज सून एज या द मोमेंट का यूज, एज वेल एज फार एज इफ या एज दो का यूज, एज यट, यट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार का यूज अभी तक के सेंस के लिए, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो का यूज हालांकि या भले ही के सेंस के लिए। उसके बाद देन ऑल्सो, इवन देन, यट, स्टिल, हाउएवर, इनका यूज फिर भी के सेंस के लिए। और उसके बाद देखिए स्टिल या इवन नाउ का यूज अभी भी के सेंस के लिए। आप यहां पर नोट करेंगे कि स्टिल का यूज फिर भी और अभी भी दो अलग अलग सेंस में हो रहा है, लेकिन उस समय स्टिल की पोजीशन क्या होगी सेंटेंस में ये आपको कॉन्सेप्ट से पता लग जाएगा। फिर हम कवर करेंगे सच, सच एज, इन सच अ वे, दैट, इफ और वेदर का यूज, वेदर और का यूज, आइदर और, नाइदर नॉर नाइदर नेगेटिव सेंटेंसेस में, और सो का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में, नो सूनर हैड के साथ देन का यूज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, सो दैट, सो हेंस, हेंस फोर्थ, देयर फोर। उसके बाद WH फैमिली मेंबर्स जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, इनका यूज दैट के साथ किस तरह से और किस सेंस में, दैट्स व्हाट, दैट्स हाउ, दैट्स व्हेन, दैट्स वेयर, दैट्स व्हिच, दैट्स हु या दैट्स हुम, टिल देन, बाय देन का कॉन्सेप्ट, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज या अनटिल का यूज, अनलेस का यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं, लेस्ट का यूज, otherwise or else, while के साथ verb की first form plus ing, whereas या while का use, और इस video lecture के end में WH family का use conjunctions की तरह, जहां पर that के साथ नहीं आएगा, सिर्फ what का use, why, where, who, ये interrogatives भी हैं, और साथ ही साथ as a conjunction भी इनका use किया जाता है। शुरुआत करने से पहले मैं आपके सामने 7 क्वेश्चंस रखता हूं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपके सामने 3 विकल्प हैं, 3 ऑल्टरनेटिव्स हर क्वेश्चन के। आपको सही ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, वो जो मेरे साथ था मेरा भाई है, जो मेरे साथ था, जो के लिए हु, दैट या विच, किसका यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, यहां पर विल, शुड या मे में से कौन सा विकल्प आप चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर वो ढंग से पढ़ाई नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा, अगर या यदि के लिए आप इफ का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ऑल्टरनेटिव्स में इफ है ही नहीं, क्यों नहीं है ये कॉन्सेप्ट में आपको पता लगेगा। यहां पर अनटिल, अनलेस या टिल में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को आप चूज करेंगे। देखिए इस सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। मैंने आपसे कहा कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, यदि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, करेगा के लिए मैंने स्टडीज यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म किया, जबकि मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में, ऐसा क्यों, ये भी आप इस कॉन्सेप्ट में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है, जिसकी छत, जिसकी के लिए ऑफ विच, ऑफ हूज या हु का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मैं नहीं जानता कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं, की के लिए इफ, दैट, वेदर, किसका यूज करना सही है, किसका गलत। क्वेश्चन नंबर 6, मैं ये नहीं खाता, न तुम खाते हो,
ना तुम खाते हो को किस तरह से बनाएंगे, नाइदर डू यू, नॉट डू यू या सो डू यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन कॉन्सेप्ट है जो स्पीकिंग में भी आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको नहीं पता होता तो आप सेंटेंसेस को नहीं फॉर्म कर पाते। क्वेश्चन नंबर 7, अयांश अभी भी अविरत को कॉल करता है, अभी भी इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाए, येट, स्टिल, इवन, नाउ। और हैरानी की बात यह है कि आपको लगेगा कि एक पर्टिकुलर कंजंक्शन वहां पर यूज हो सकता है, लेकिन जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो आपको लग रहा था जरूरी नहीं है कि वो कंजंक्शन वहां पर फिट हो, हो सकता है वो रूल को वॉयलेट करे, तो इसलिए आप उसको वहां पर यूज नहीं कर सकते। अब मैं एक एक करके सभी कंजंक्शंस को आपके सामने कवर करता हूं, आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखते जाइए और समझते जाइए। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट का प्रयोग तीन अलग अलग तरीके के वाक्यों में किया जाता है। पहला तब जब किसी वाक्य में लेकिन, पर या परंतु का सेंस आए, दूसरा तब जब किसी वाक्य में बल्कि का सेंस आए, और तीसरा तब जब किसी वाक्य में सिवाय या अलावा का सेंस आए। तो सबसे पहले बात करते हैं बट का प्रयोग लेकिन, पर या परंतु के लिए। उदाहरण आपके सामने है, वो अमीर है पर बहुत कंजूस है। ही इज रिच बट वेरी माइजर, माइजर मतलब कंजूस। वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है। ही इज नॉटी बट आई लाइक हिम। वो गोरी है लेकिन खूबसूरत नहीं है। शी इज फेयर बट नॉट ब्यूटिफुल। इसी तरह से देखिए बट का प्रयोग बल्कि के सेंस में किस तरह से किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। वो बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार है। He is not fool but wise. उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। He was not scolded but beaten. ये एक passive voice का sentence है जिसके बारे में मैंने active passive voice की video lecture में आपको बताया था। उसे डांटा नहीं गया किसी के द्वारा। अब देखते हैं but का प्रयोग सिवाय या अलावा के sense के लिए किस तरह से किया जाता है। देखिए sentences आपके सामने हैं। मैं आपके घर के सिवाय या मैं आपके घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूं। आई कैन गो एनी वेयर बट योर होम। तो कहां नहीं जा सकता, आपके घर। तो आपके घर को बट के तुरंत बाद मैंने यूज किया, आई कैन गो एनी वेयर बट योर होम। मैं कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हें पीटने के, आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। सिवाय के साथ जो लगा है उसे बस बट के बाद आप यूज कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस से ही चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, पर नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। कुल मिला के इसका जो सेंस है कि मैं कुछ भी होते हुए देख सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। इस सेंटेंस को आप देखिए किस तरह से बना सकते हैं। आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग, मैं देख सकता हूं कुछ भी होते हुए, बट आई कांट सी यू क्राइंग। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, या फिर आप बना सकते हैं आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट यू क्राइंग। थोड़ा ऑड जरूर लगता है आपको, लेकिन जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी, आपको पता लगेगा कि सेंटेंसेस को किन अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। फॉर, एज, बिकॉज और सिंस। आप सोचेंगे कि फॉर और सिंस का प्रयोग तो मैंने प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर्स में भी किया था, ये बात सही है, लेकिन ये वर्ड्स फॉर और सिंस ये कंजंक्शंस की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। जब किसी वाक्य में क्योंकि या चूंकि का सेंस आए तो आप इन चारों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। किसी वाक्य में क्योंकि या चूंकि के लिए फॉर, एज, बिकॉज और सिंस में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। बिकॉज का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में, सिंस का प्रयोग हमेशा शुरुआत में, बीच में नहीं होगा, और फॉर और एज का प्रयोग बीच में या शुरुआत दोनों जगहों पे किया जा सकता है। उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए चूंकि का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में किया गया, और मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब सेंटेंस में चूंकि या क्योंकि का प्रयोग किया जाएगा तो बिकॉज का प्रयोग नहीं होगा। बिकॉज का प्रयोग हमेशा कब होता है, मिडल में, बीच में। तो यहां पर आप कह सकते हैं सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम, As I was unwell, so I didn't come. For I was unwell, so I didn't come. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था।
यहां पर क्योंकि का प्रयोग सेंटेंस के बीच में है, यह आपको समझाने का एक तरीका है, शुरुआत और बीच। और बीच में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, बिकॉज का प्रयोग आप बीच में कर सकते हैं, एज का प्रयोग आप कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग केवल शुरुआत में होता है, जब क्योंकि या चूंकि सेंटेंस के शुरुआत में आए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप फॉर का प्रयोग बीच में करते हैं तो फॉर से जस्ट पहले वाले सेंटेंस क्लॉज में आप कॉमा का प्रयोग करते हैं, ये केवल फॉर के साथ होता है, बाकी किसी और कंजंक्शन के साथ नहीं होता। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, किस तरह से जब किसी वाक्य में भी का सेंस आता है तो इन पांचों में से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। अब नियमों की बात करते हैं। ऑल्सो, टू, एज वेल, इन तीनों का ही प्रयोग जनरली पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, पॉजिटिव। और इवन का प्रयोग भी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग होता है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आइदर का प्रयोग भी के सेंस के लिए केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, केवल नेगेटिव सेंटेंस में आइदर का प्रयोग भी के लिए। आगे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी उदाहरण के माध्यम से। एक बात और, ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले किया जाता है, और इवन का प्रयोग जब भी के लिए होता है तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत में किया जाता है हमेशा, और टू, एज वेल और आइदर का प्रयोग एंड में किया जाता है। ये नियम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेने होंगे, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। एक बात और आप नोट कर लीजिए, इवन का प्रयोग भी के अर्थ के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जा सकता, यानी अगर आपके सामने कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए और वहां पर भी का प्रयोग हो तो आप इवन का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं भी अच्छा हूं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मैं भी अच्छा हूं। मैं कह सकता हूं आई एम ऑल्सो गुड। मैंने बताया ऑल्सो का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यहां पर नहीं का प्रयोग नहीं है। ऑल्सो का प्रयोग, मैंने आपको एक और बात बताई, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले, तो एम के बाद यूज होगा, आई एम ऑल्सो गुड। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में टू का प्रयोग होता है, TOO, लेकिन सेंटेंस के एंड में होता है, तो मैं कह सकता हूं आई एम गुड टू। मैंने आपको यह भी बताया था कि एज वेल का प्रयोग भी सेंटेंस के एंड में होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, आई एम गुड एज वेल। मैंने आपको यह भी बताया कि इवन का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है, लेकिन हमेशा शुरुआत में होता है, तो देखिए इवन का प्रयोग यहां पर शुरुआत में, इवन आई एम गुड। तो मैं भी अच्छा हूं के लिए आप चार तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एक कंजंक्शन आइदर मैंने आपको बताया था कि केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और एंड में होता है सेंटेंस के, तो यहां पर चूंकि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो है नहीं, इसलिए आप आइदर का प्रयोग यहां पर बिल्कुल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, वो भी आ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इसे बना सकते हैं ही इज ऑल्सो कमिंग। यहां पर देखिए ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद हो रहा है और वर्ब से पहले हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है इज के बाद और वर्ब से पहले, ही इज ऑल्सो कमिंग, या आप कह सकते हैं ही इज कमिंग टू, या आप कह सकते हैं ही इज कमिंग एज वेल, या आप कह सकते हैं इवन ही इज कमिंग। एक नेगेटिव सेंटेंस, मैं भी अच्छा नहीं हूं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आप या तो इवन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इवन का प्रयोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में होता है, लेकिन हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में होता है, इवन आई एम नॉट गुड। और आइदर का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है केवल, और सेंटेंस के एंड में होता है। एक सेंटेंस और है, वे भी मेरे साथ नहीं है, इवन दे आर नॉट विद मी, या आप कह सकते हैं दे आंट विद मी आइदर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप दो चीजों को ध्यान रखिए, भी के लिए इवन और आइदर, इवन का प्रयोग शुरुआत में, आइदर का प्रयोग सेंटेंस के एंड में। अब देखिए एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम भी वहां नहीं थे। अब आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस है ये, इंटरोगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव भी है। मैंने आपको एक तीसरा रूल बताया था कि इवन का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जाता, तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है और वो है आइदर। मैं भी फल पसंद नहीं करता, देखिए यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, या तो आप इवन का यूज कर लीजिए,
शुरुआत में सेंटेंस के, या फिर आप आइदर का यूज कर लीजिए सेंटेंस के एंड में। तो बेस्ट सेंटेंस जो है वो बनेगा आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स एज। यहां पर हम इसके तीन सेंस के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी वाक्य में सेंस आए जैसा का, या आए के तौर पर, या आए के नाते, आपके सामने एग्जांपल्स हैं। जैसा आप कहें जैसा के लिए एज का प्रयोग, एज यू से, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, जैसा आपने कहा मैंने किया, आई डिड, मैंने किया, आई डिड एज यू सेड, जैसा आपने कहा, जैसा आपको ठीक लगे, एज यू फील लाइक, या आप कह सकते हैं एज यू विश, जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहावत है, आप कहते हैं एज यू सो सो यू रीप, जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटते हो, जैसा तुम्हारे पापा चाहें, एज योर फादर लाइक्स। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं यहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं, के तौर पर के लिए आप एज का प्रयोग कर सकते हैं, आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर हियर। एक अध्यापक होने के नाते ये मेरा फर्ज है, एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी। एज एडजेक्टिव, एज, एज का मतलब उतना, उसके बाद एडजेक्टिव विशेषण का आप यूज करेंगे, उसके बाद आप कहते हैं जितना, एज के लिए जितना, तो उतना जितना। इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे होंगे जब हम कहते हैं कि राम अमिताभ के जितना लंबा है, या हम कह सकते हैं राम उतना लंबा है जितना अमिताभ, हम कहते हैं सीता उतनी खूबसूरत है जितनी गीता। तो इस तरह का उतना जितना के जो सेंटेंस फॉर्मेशंस होते हैं वो इस कंजंक्शन फॉर्मेशन से लिए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा फॉर्मेशन को देखें। मैं आपसे कहूं एज टॉल एज अमित, तो देखिए एज उतना, टॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है, लंबा, एज जितना, अमित उतना लंबा जितना अमित, उतना लंबा जितना अमित, मतलब तो एक ही है अमित के जितना लंबा। एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश, राकेश के जितना छोटा। आगे जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। देखिए एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना आपका घर, या फिर मैं कह सकता हूं आपके घर जितना बड़ा। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला, कोयले के जितना काला। एज ब्यूटिफुल एज यू आर, उतनी खूबसूरत जितनी तुम हो, तुम्हारी जितनी खूबसूरत। एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना खून, या मैं कह सकता हूं खून के जितना लाल। एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड इज, उतने मजबूत जितने मेरे पापा हैं, या फिर मैं कहूं मेरे पापा के जितने मजबूत। एज क्यूट एज शी वॉज, उतनी प्यारी जितनी वो थी, शी वॉज वो थी, या मैं कह सकता हूं उसके जितनी प्यारी। अब देखिए एग्जाम्पल्स, अभी तक आपने फॉर्मेशन देखा, अब इन्हीं फॉर्मेशंस का यूज एग्जाम्पल्स में आएगा। सेंटेंस है मैं अमन के जितना लंबा हूं, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि मैं उतना लंबा हूं जितना अमन, उतना लंबा जितना अमन, एज टॉल एज अमन, आई एम मैं हूं एज टॉल एज अमन, अमन के जितना लंबा। वो लड़का सचिन के जितना छोटा है, दैट बॉय इज, वो लड़का है एज शॉर्ट एज सचिन, सचिन के जितना छोटा, या उतना छोटा जितना सचिन। वो मेरे भाई के जितना छोटा है। अब यहां पर उम्र की अगर बात हो रही है तो हम कहेंगे ही इज एज यंग एज माई ब्रदर, ये पेन तुम्हारे पेन जितना पुराना नहीं है। दिस पेन इज नॉट, ये पेन नहीं है एज ओल्ड एज योर पेन, उतना पुराना जितना तुम्हारा पेन। मैं आप जितना पैसे वाला नहीं हूं, यानी मैं उतना अमीर नहीं हूं जितने आप हो। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं एज रिच एज, उतना अमीर जितने यू आर, आप हो। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, यू आर नॉट, तुम नहीं हो एज क्लेवर एज आई एम, एज क्लेवर एज, उतने चालाक जितना मैं हूं, आई एम। राम उसके जितना पागल नहीं है, राम इज नॉट एज मैड एज ही इज, वो कैटरीना की जितनी खूबसूरत है, शी इज एज ब्यूटिफुल एज कैटरीना।
क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो? कैन यू सिंग? क्या तुम गा सकते हो? एज गुड एज, उतना अच्छा जितना आई कैन. क्या तुम मेरी उम्र के हो? इस सेंटेंस को देखिए, आप यूं तो एक बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, आर यू माई एज. ये एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, अक्सर यूज होता है, आर यू माई एज. या आप इसे इस तरह से भी इस फॉर्मेशन में बना सकते हैं, आर यू, क्या तुम हो, एज ओल्ड एज, उतनी उम्र के जितना मैं हूं, आई एम. एज सुन एज, जब भी किसी वाक्य में जैसे ही या ज्यों ही का सेंस आता है, तो आप एज सुन एज का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं. यहां तक कि आप द मोमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं. आइए एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे ही वो आया, मैं चला गया. बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हो सकता है आपको इसके बारे में पता हो, फिर भी हो सकता है कुछ नई बातें आपको पता लगे. जैसे ही वो आया, मैं चला गया. एज सुन एज ही केम, आई लेफ्ट. या आप कह सकते हैं, द मोमेंट ही केम, आई लेफ्ट. एक एग्जाम्पल और है, घर आ जाना जैसे ही पापा चले जाएं. तो जैसे ही पापा चले जाएं, ज्यों ही पापा चले जाएं, घर आ जाना. कम होम द मोमेंट डैड गोस, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ. लीव, लीव मतलब जाओ, चले जाओ. एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके. जैसे ही उसे पता चला कि वो अब नहीं रहे, वो रोने लगा. जैसे ही के लिए आप यहां पर एज सून एज या द मोमेंट का यूज कर सकते हैं. द मोमेंट ही न्यू दैट ही वॉज नो मोर, ही स्टार्टेड वीपिंग. जो ही वो आया, वो गई. एज सुन एज ही केम, शी लेफ्ट. एज वेल एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है. इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. प्रॉपर ग्रामर की जानकारी होना भी जरूरी है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए. कॉन्वर्सेशंस में कई बार आप ग्रामर का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं तो चल जाता है, क्योंकि सेंस से समझ में आ जाता है. लेकिन जब आप लिखते हैं या किसी एग्जाम में बैठते हैं, तो आपको प्रॉपर ग्रामर का यूज करना होता है. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं. राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड. वो पैसे वाला है, साथ ही साथ दयालु भी है. ही इज रिच एज वेल एज काइंड. तुम मेरे भाई हो, साथ ही साथ सबसे अच्छे दोस्त भी. यू आर माई ब्रदर एज वेल एज द बेस्ट फ्रेंड. वो क्रिकेटर है, साथ ही फुटबॉलर भी है. साथ ही साथ की जगह आपने क्या यूज किया? साथ ही, बात एक ही है. ही इज क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉलर. तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने साथ ही साथ के सेंस के लिए एज वेल एज का प्रयोग. अब मैं उस इंपॉर्टेंट रूल की बात करता हूं, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो लेक्चर की शुरुआत में बताया था. इंपॉर्टेंट रूल क्या है? देखिए, सब्जेक्ट वन प्लस एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट टू. डेफिनेशन आपके सामने है. व्हेन एज वेल एज इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर सब्जेक्ट्स, द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज टू बी यूज्ड एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट. जब एज वेल एज का प्रयोग दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स के बीच में आता है, तो ऐसे केसेस में जो आपकी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, क्रिया या सहायक क्रिया जो होती है, जो यूज करनी है, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज की जाएगी. मैं और वो दोषी हैं. आई एंड ही आर टू ब्लेम. बहुत ही सिंपल. यहां पर दो सब्जेक्ट्स हैं. कौन? एक हूं मैं, एक हो तुम. मैं और वो, सॉरी, एक है थर्ड पर्सन सिंगुलर. आई एंड ही आर टू ब्लेम. और इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह से कहूं, मैं साथ ही साथ वो भी दोषी हैं, यहां पर साथ ही साथ के लिए एज वेल एज का प्रयोग करेंगे. आई एज वेल एज ही, पहला सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी आई. आई के साथ क्या लगता है? एम. आई एज वेल एज ही एम टू ब्लेम. ऑड जरूर लगेगा, पर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये प्रॉपर ग्रामर है. आइए इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और समझ लें, इसी से रिलेटेड है. देखिए, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइन बाय एज वेल एज और विद, द वर्ब शुड फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट. मैंने अभी आपको बताया कि एज वेल एज जब किसी वाक्य में आता है दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है. और इसी तरह से जब विद के साथ भी आएगा, जब दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे विद के साथ, तब भी जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं. द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स इज बिजी. यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा. अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं. आपके सामने विकल्प दिए जाते हैं इज, एम, आर, और आप यहां पर अक्सर आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि एक सब्जेक्ट है टीचर और साथ में है कुछ स्टूडेंट्स, तो यानी यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, मोर देन वन.
तो आप आर का प्रयोग करेंगे, पर ये सही नहीं है। जब विद का प्रयोग आए या एज वेल एज का प्रयोग आए दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगाइए। दूसरा सेंटेंस है ही एज वेल एज आई इज एट होम। यहां पर इज का प्रयोग क्यों लगा? क्योंकि पहला सब्जेक्ट है ही। अगर मैं कहता आई एज वेल एज ही, तो आप एम का प्रयोग करते, क्योंकि पहला सब्जेक्ट अब क्या होता? आई। और तीसरा सेंटेंस देखिए बहुत ही सिंपल है, ही एंड आई आर एट होम। यहां पर एंड का प्रयोग किया गया है, एंड के साथ क्या यूज होता है? आर, एज फार एज। जब भी किसी वाक्य में जहां तक का सेंस आता है, एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, जहां तक मैं जानता हूं उसके दो बच्चे हैं, इस तरह के वाक्यों में जहां तक के लिए एज फार एज का प्रयोग किया जाता है। एज फार एज आई नो ही हैज टू चिल्ड्रन, जहां तक मुझे पता है वो शादीशुदा है। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। एज वेल एज माई स्टडी इज कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। ऐसे केसेस में जब सवाल है, आप कहते हैं ना जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, जहां तक मेरे भाई का सवाल है, जहां तक मेरी बहन का सवाल है, ऐसे सभी सेंटेंसेस में आप एज फार एज के साथ कंसर्न्ड वर्ड का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर होता जाएगा। जहां तक मेरे भाई का सवाल है, वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट को आप स्नातक कहते हैं। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड ही इज ग्रेजुएट। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरी दो बहनें हैं। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड आई हैव टू सिस्टर्स। सच के तीन फॉर्मेशन, सच, सच एज और इन सच अवे। सच का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी वाक्य में सेंस आता है इस तरह का या ऐसा। जैसे वाक्य होते हैं ना, ऐसा बच्चा मुझे पसंद नहीं, इस तरह का आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरह के लोग वहां रहते हैं, इस तरह का या ऐसा, ऐसे सेंस में आप सच का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के साथ आप समझेंगे जरूर। दूसरा देखिए सच एज, जब आप कहते हैं जैसे कि, उदाहरणतः, उदाहरण के तौर पर जब आप कहते हैं मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि पेन पेंसिल, तो जैसे कि के लिए आप सच एज का यूज कर सकते हैं। और तीसरा है इन सच अवे, इस तरह से या ऐसे। जैसे हम कहते हैं उसने इस तरह से बात की, यानी उसने ऐसे बात की, या हम कहते हैं वो ऐसे गया, या हम कहें वो इस तरह से गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब इस तरह का सेंस आता है, तो इन सच अवे का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, सबसे पहले देखिए, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग यानी इस तरह के लोग, इस तरह के लिए आप क्या यूज करते हैं? सच। सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, ऐसे मतलब इस तरह के बच्चे, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं ऐसे बच्चे, सच चिल्ड्रन। ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूं, आई हैव हर्ड, मैंने सुनी है मैनी सच स्टोरीज। ऐसी कई कहानियां, कई के लिए मैनी, ऐसी स्टोरीज सच स्टोरीज। मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि कंप्यूटर मोबाइल, मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि, उदाहरणतः कंप्यूटर मोबाइल आदि। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज कंप्यूटर मोबाइल एटसेट्रा। उसके साथ कई लोग हैं जैसे राम राहुल मोहन आदि। देर आर मैनी पीपल विद हिम सच एज, उदाहरण के तौर पे राम राहुल मोहन एटसेट्रा। तो जैसे कि के सेंस के लिए आपने क्या यूज किया? सच एज। इसी तरह से उसने मुझे इस तरह से देखा, लगा वो मुझे चाहती है। उसने मुझे इस तरह से देखा यानी ऐसे देखा, इस तरह से, शी सॉ मी या लुकड एट मी इन सच अ वे, इस तरह से, दैट आई फेल्ट शी लाइक मी, कि मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे चाहती है या पसंद करती है। तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम ऐसे बात करते हो यानी तुम इस तरह से बात करते हो, इस तरह से या ऐसे के लिए आप क्या यूज करते हैं? इन सच अ वे, यू टॉक इन सच अ वे दैट आई कांट इग्नोर यू, एज इफ और एज दो। जब भी किसी वाक्य में मानो या जैसे कि इस तरह का सेंस आता है, तो ऐसे वाक्यों में एज इफ और एज दो का प्रयोग किस तरह से किया जाना है, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। उसने मुझे ऐसे देखा मानो वो कुछ कहना चाहती हो। शी लुक्ड एट मी एज इफ शी वॉन्टेड टू से समथिंग। यहां पर देखिए मानो के लिए आपने एज इफ का प्रयोग किया, आप मानो के लिए एज दो का प्रयोग भी
कर सकते हैं, आप कह सकते हैं शी लुक्ड एट मी एज दो शी वॉन्टेड टू से समथिंग। वो उसके साथ इतना फ्रैंक लगा मानो उसे पहले से जानता हो। ही लुक्ड सो फ्रैंक विद हिम एज दो ही ऑलरेडी न्यू हिम। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज दो आई एम योर एनिमी। यहां पर आपने कहा यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो इस तरह से या ऐसे, ऐसे या इस तरह से के लिए इन सच अ वे का यूज किया जाता है, एज दो आई एम योर एनिमी, मानो उसे घर जाना हो। एक सिंपल सा सेंटेंस जब आपको किसी को कहना है मानो उसे घर जाना हो, एज इफ ही हैज टू गो होम। इसी तरह से देखिए, वो ऐसे बात कर रहा था मानो मैं उसका नौकर हूं। ही वॉज टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ आई वॉज हिज सर्वेंट। लगता है मानो उसे तुमसे प्यार हो। इट सीम्स, लगता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ ही लव्स यू, मानो वो तुमसे प्यार करता हो। Yet, as yet, till now, by now, so far. और इन पांचों कंजंक्शंस का यूज सिर्फ एक सेंस के लिए हम देखेंगे और वो सेंस है अभी तक, केवल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हर। अगर कोई लड़की है या कोई स्त्री है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है अभी तक। अभी तक के लिए मैं यट का यूज कर सकता हूं, या मैं कह सकता हूं आई हैव नॉट सीन हर एज यट, या मैं कह सकता हूं आई हैव नॉट सीन हर टिल नाउ, आई हैव नॉट सीन हर बाय नाउ, आई हैव नॉट सीन हर सो फार। एक सेंटेंस है, अभी तक का स्कोर क्या हुआ है, व्हाट इज द स्कोर। व्हाट इज द स्कोर का मतलब स्कोर क्या हुआ है या स्कोर क्या है। अभी तक का सो फार, व्हाट इज द स्कोर सो फार। वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा है, ही हैज नॉट रीच्ड ऑफिस येट। उसने आज तक बर्गर नहीं खाया है, ही हैजंट ईटन बर्गर टिल नाउ। टिल नाउ, येट, एज येट, आप किसी का भी प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल और हाउएवर। यहां पर हम इन कंजंक्शंस के सिर्फ एक सेंस को जानेंगे और वो सेंस है फिर भी, तब भी, या इसके बावजूद भी। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे ये आता है। वो कभी स्कूल नहीं गया, ही नेवर वेंट टू स्कूल, फिर भी के लिए मैं इनमें से किसी एक का यूज कर सकता हूं। देन ऑल्सो ही नोज इट, या मैं कह सकता हूं इवन देन ही नोज इट, या मैं कह सकता हूं येट ही नोज इट, या मैं कह सकता हूं स्टिल ही नोज इट, या मैं कह सकता हूं हाउ एवर ही नोज इट। तो इन पांचों में से किसी भी एक कंजंक्शन का यूज मैं फिर भी के लिए कर सकता हूं। दूसरा सेंटेंस है, मैं गरीब हूं फिर भी कोशिश करूंगा। आई एम पुअर स्टिल आई विल ट्राई। यहां पर मैंने स्टिल ले लिया, आप कोई सा भी एक कंजंक्शन पांचों में से ले सकते हैं। मैं बीमार था इसके बावजूद मैंने काम किया। आई वॉज अनवेल येट आई वर्कड, या आप कह सकते हैं स्टिल आई वर्कड, या आप कह सकते हैं देन ऑल्सो आई वर्कड, या आप कह सकते हैं इवन देन आई वर्कड, या आप कह सकते हैं आई वॉज अनवेल हाउ एवर आई वर्कड। अगला सेंटेंस है, वो अनपढ़ है तब भी उसका व्यवहार अच्छा है। ही इज इलिटरेट, इवन देन ही बिहेव्स वेल। ऑल्दो, दो, इवन इफ और इवन दो, जब भी किसी वाक्य में यद्यपि, हालांकि या भले ही का प्रयोग हो, तो ऐसे में आप इन चारों में से किसी भी एक कंजंक्शन का प्रयोग इनके लिए कर सकते हैं। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे ये आता है। हालांकि के लिए आपके पास चार विकल्प हैं, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं ऑल्दो। ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, अब मैं कहूंगा फिर भी उसे ये आता है। फिर भी के लिए आपके पास पांच विकल्प दिए मैंने। देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, आप इन पांचों में से किसी का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट यहां पर आपको नोट करनी है वो ये है कि ऑल्दो अगर आपने हालांकि, यद्यपि, भले ही के लिए यूज किया, अगर ऑल्दो का यूज किया, तो आपको फिर भी के लिए येट का प्रयोग करना ही होगा। ऑल्दो के साथ हमेशा येट का प्रयोग करना कंपल्सरी है। तो यहां पर मैं कहूंगा येट ही नोज इट। तो पूरा सेंटेंस है, ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल येट ही नोज इट। दूसरा सेंटेंस देखिए, भले ही मैं गरीब हूं फिर भी कोशिश करूंगा।
भले ही के लिए मैं कोई भी एक विकल्प ले लेता हूं, इस बार मैं ले लेता हूं दो, दो आई एम पुअर, फिर भी के लिए मैं कौन सा विकल्प लूं? तो फिर भी के लिए मैं कोई भी विकल्प ले सकता हूं, क्योंकि यहां पर ऑल्दो नहीं है, ऑल्दो होता तो केवल यट कहता, अभी दो है तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं देन ऑल्सो, इवन देन, यट, स्टिल, हाउएवर, तो मैं यूज करता हूं फॉर एग्जाम्पल स्टिल, मैं कहता हूं दो आई एम पुअर, स्टिल आई विल ट्राई। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, हालांकि मैं बीमार था इसके बावजूद मैंने काम किया, मैं लेता हूं इवन इफ, इवन इफ आई वॉज अनवेल देन ऑल्सो आई वर्कड, भले ही वो अनपढ़ है तब भी उसका व्यवहार अच्छा है, इवन दो ही इज इलिटरेट येट ही बिहेव्स वेल, आइदर और, बहुत ही सिंपल कंजंक्शन है, हम अक्सर इसके बारे में जानते हैं, जब भी किसी वाक्य में या तो ये या तो वो, जब चॉइस दी हो, आपके सामने विकल्प हो, या तो ये या तो वो, तो ऐसे वाक्यों में आइदर और का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, पहला एग्जाम्पल, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, यहां पर दो सेंटेंस है, दोनों से पहले या का प्रयोग किया गया है, तुम जाओ मुझे जाने दो, दो सेंटेंस, इन दोनों से पहले या का प्रयोग, आप कहते हैं आइदर यू गो, या तो तुम जाओ, और लेट मी गो, या मुझे जाने दो। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, या तो राम जाएगा या मैं जाऊंगा, आइदर राम विल गो और आई विल, मैं आई विल के बाद गो का प्रयोग कर सकता हूं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन चूंकि ये अंडरस्टूड है कि बात जाने की हो रही है, तो बार बार गो का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। तीसरा सेंटेंस है, राम या तो जाएगा या आएगा, राम के पास दो विकल्प हैं, जाना या आना, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट एक ही है, राम, केवल राम की ही बात हो रही है, जब एक ही सब्जेक्ट की बात होती है तो आप आइदर और के कॉम्बिनेशन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है यहां पर विल, राम विल आइदर गो और कम। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स और हैं आपके सामने, मैं दिल्ली जाऊंगा या मुंबई, मेरे पास दो विकल्प हैं, दिल्ली या मुंबई जाने के, आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई, या फिर मैं कह सकता हूं आई विल गो आइदर दिल्ली और मुंबई। दूसरा सेंटेंस है, या तो तुम गलत हो या वो, देखिए दो अलग अलग स्टाइल में कैसे बना सकते हैं, आइदर यू और ही इज रॉन्ग, या आप बना सकते हैं आइदर यू आर रॉन्ग, या तो तुम गलत हो, और ही इज या वो गलत है, तो ही इज रॉन्ग भी आप कह सकते हैं, लेकिन रॉन्ग बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि गलत की बात हो रही है। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं नाइदर नॉर के बारे में, जिसका मतलब है न ये न वो। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझें इस टॉपिक को, न तुम जाओ न मुझे जाने दो, नाइदर यू गो न तुम जाओ, नॉर लेट मी गो, न मुझे जाने दो। दूसरा सेंटेंस है, न राम जाएगा न मैं जाऊंगा, नाइदर राम विल गो नॉर आई विल, आई विल गो भी आप कह सकते हैं, लेकिन बार बार गो कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जाने की बात हो रही है, नाइदर राम विल गो नॉर आई विल, न राम जाएगा ना आएगा, यहां पर राम सब्जेक्ट मेरा एक ही है, उसके पास दो विकल्प, राम विल नाइदर गो नॉर कम, न राम जाएगा न राम आएगा। इसी तरह से कुछ सेंटेंस और हैं आपके सामने, न मैं दिल्ली जाऊंगा न मुंबई, आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई, या आप कह सकते हैं आई विल गो, मैं जाऊंगा, नाइदर दिल्ली नॉर मुंबई, न दिल्ली न मुंबई, न तुम गलत हो न वो, नाइदर यू नॉर ही इज रॉन्ग, नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज, दोनों तरीके से आप दोनों स्टाइल में इसको आप बना सकते हो। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट के साथ नॉर और नाइदर का प्रयोग, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में सो का प्रयोग, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉट के साथ नॉर और नाइदर की, नहीं वो भी नहीं, एग्जाम्पल देखिए, तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, पहला सेंटेंस है तुम नहीं आते, यू डोंट कम, बहुत ही सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वो भी नहीं आता, तो जब दूसरा सेंटेंस साथ में लग के आता है वो भी नहीं आता, तो वो भी नहीं, तो ऐसे केस में आप क्या यूज करते हैं, नाइदर या नॉर का प्रयोग आप कर सकते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है,
बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है या स्ट्रक्चर कहूं मैं, नॉर डज ही, या आप कहते हैं नाइदर डज ही। मैंने नहीं पूछा, आई डेंट आस्क, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का एक सेंटेंस है। मैंने नहीं पूछा, आई डेंट आस्क, न उसने पूछा। नाइदर डिज शी, अगर वो कोई स्त्री है तो शी, अगर कोई पुरुष है तो ही। न उसने पूछा, नाइदर डिज शी, या आप कह सकते हैं नॉर डिज शी, वो नहीं जा पाया ना मैं जा पाया। ही कुडंट गो, नाइदर कुड आई। इसी तरह से देखिए कुछ सेंटेंसेस और हैं आपके सामने, उसने नहीं बताया, हमने भी नहीं। ही डिडंट टेल, नॉट डिड वी। आप नहीं जाना चाहते, मैं भी नहीं। यू डोंट वॉन्ट टू गो, नॉट डू आई। वो नहीं कह सकता, न तुम। ही कांट से, नाइदर कैन यू। अब देखिए सो, वो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब जैसे आपने नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नाइदर नॉर देखा, इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सो का प्रयोग आप देखेंगे। तुम आते हो, वो भी आता है। यू कम, सो डज ही। मैंने पूछा, उसने भी पूछा। आई आस्क, सो डज शी। वो जा पाया, पाया या सका के लिए कुड का प्रयोग। ही कुड गो, मैं भी जा पाया, सो कुड आई। उसने बता दिया, हमने भी बता दिया। ही टोल्ड, सो डिड वी। आप जाना चाहते हो, मैं भी, यानी मैं कहना चाहता हूं आप जाना चाहते हो, मैं भी जाना चाहता हूं। यू वॉन्ट टू गो, सो डू आई। वो कह सकता है, तुम भी कह सकते हो। वो कह सकता है, ही कैन से, तुम भी कह सकते हो, सो कैन यू। दैट इफ वेदर और डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर एज अ कंजंक्शन, किस सेंस में? की के सेंस में। की, जब भी किसी वाक्य में आप देखते हैं ना, राम ने कहा कि वो जाएगा, की। मैंने कहा कि मैं ये काम करूंगा। मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा या नहीं, तो की के लिए दैट इफ वेदर या डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर को कैसे कंजंक्शन की तरह यूज करना है, ये बात इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सर्टेनिटी या निश्चितता के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, अभी आप समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। और जब बात संभावना की हो, जब श्योरिटी ना हो, सर्टेनिटी ना हो, तो इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है की के लिए। और वेदर के साथ हमेशा और लगाना कंपलसरी होता है, ये भी आप सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। आइए एग्जाम्पल देखें। मैं जानता हूं कि वो खेलेगा, यह निश्चितता है। मैंने कहा मैं जानता हूं कि वो खेलेगा, यहां किसी संभावना की बात नहीं हो रही है। आई नो दैट ही विल प्ले। आरोही कहती है कि अरनवी प्यारी है। आरोही सेज दैट अरनवी इज क्यूट। राम कह रहा है कि सीता अच्छी है। राम इज सेइंग दैट सीता इज गुड। तो यहां पर सर्टेनिटी की बात हो रही है, आपने दैट का प्रयोग किया की के लिए। अब आप देखिए सेंटेंस है, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा। यहां पर सर्टेनिटी नहीं है, यहां पॉसिबिलिटी है, संभावना की बात हो रही है, निश्चितता नहीं है। आई कांट से, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा। की के लिए मैं क्या लगाऊं? इफ, इफ ही विल प्ले। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं, या का प्रयोग जब मैंने किया, तो की और या के लिए यहां पर वेदर और के फॉर्मेशन का यूज करूंगा। और मैं कहूंगा आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। तो जब भी या नहीं आ जाए सेंटेंस में, तब आप वेदर का प्रयोग की के लिए करेंगे और या के लिए और का प्रयोग। इसी तरह से देखिए, आरोही ने कहा कि अरनवी प्यारी है। सर्टेनिटी की बात हो रही है, आपने दैट का प्रयोग किया। आरोही सेड दैट अरनवी वॉज क्यूट। मैंने आपको ये सेंटेंस इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अरनवी प्यारी है के लिए आप सोचेंगे कि अरनवी इज क्यूट कहना चाहिए मुझे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आरोही ने यह बात कब कही? पास्ट में, बीते हुए कल में। तो जब सेंटेंस का पहला पार्ट बीते हुए कल में है, तो आने वाला पार्ट भी बीते हुए कल में ही होगा सेम सेंटेंस में। आरोही सेड, आरोही ने कहा, यह बात बीत गई। आरोही ने कहा कि अरनवी प्यारी है, भले मैं कह रहा हूं अरनवी प्यारी है, लेकिन सेंस पास्ट का है। आप कहेंगे अरनवी वॉज क्यूट क्योंकि यह बात बीत गई। आरोही कहेगी कि अरनवी प्यारी है, अब ये भविष्य की बात हुई। आरोही कहेगी, भविष्य में कहेगी कि अरनवी प्यारी है, अभी नहीं कह रही हो। आरोही विल से दैट अरनवी विल बी क्यूट, यानी अरनवी प्यारी होगी। ये बात भविष्य में, भले हम यहां पर है का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आप हमेशा जान लीजिए, अगर बात पास्ट की है तो पास्ट के हिसाब से चलेगा, अगर फ्यूचर की है तो फ्यूचर के हिसाब से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स और बेहतर तरीके से समझ में आते जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। अब यहां पर
मैंने कहा, जब पास्ट में आपने किसी बात को कहा भविष्य के बारे में, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, आपने पास्ट में एक बात की भविष्य के बारे में, तो होता यह है कि भविष्य का जो सेंटेंस है विल की जगह वुड का प्रयोग किया जाता, आई सेड दैट आई वुड गो, उसने कहा था कि वो डॉक्टर बनेगा, उसने कहा था बीते हुए कल में, बात कही भविष्य की, ही हैड सेड, उसने कहा था दैट ही वुड बिकम अ डॉक्टर, विल की जगह आपने क्या प्रयोग किया वुड का, ही वुड बिकम अ डॉक्टर, तो विल वुड में चेंज हो जाता है जब बात पास्ट में कही गई हो भविष्य के बारे में, हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और। अब यहां पर देखिए अनिश्चितता है, संभावना की बात हो रही, वी डोंट नो वेदर ही गोज देयर और समवेयर एल्स, क्या तुम्हें पता है कि वो घर पर है, यहां पर संभावना की बात हो रही है, तो की के लिए आप इफ का प्रयोग करेंगे, डू यू नो इफ ही इज एट होम। और इसी तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किस तरह से डब्ल्यू एच फैमिली का आप यूज करते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो कि मैं कौन हूं, तो ऐसे सेंटेंस में जब आपके सामने की के बाद वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ऐसे में इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर ही आपका की जगह पर रिप्लेस हो जाता है, आप कहते हैं डू यू नो हु आई एम, हु का प्रयोग आपने किया, और की के लिए आपने किसी चीज का प्रयोग नहीं किया, बस उसी इंटरोगेटिव को आपने की जगह पे यूज कर लिया, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है, डू यू नो व्हाट दिस इज, राम ने पूछा कि राहुल कौन है, राम आस्क्ड हु राहुल इज, यहां पर हु इज राहुल नहीं, हु राहुल इज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होती है इस तरह के सेंटेंसेस में, मैंने पूछा कि तुम कहां थे, आई आस्क वेर यू वर, वेदर और, मैं वेदर और के दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, चाहे या और की या। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर वन, वेदर और चाहे या, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझेंगे, आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा, वेदर ही गोज और नॉट आई विल गो। दूसरा सेंटेंस है, चाहे राम खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए, वेदर राम प्लेस और नॉट यू शुड प्ले। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर टू, वेदर और का दूसरा कॉन्सेप्ट है कि या, संभावना के साथ, एग्जाम्पल है, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं, यहां पर एक पॉसिबिलिटी की बात की, आपके सामने आया कि और फिर आया या, तो आप कह सकते हैं मैं कह नहीं सकता, आई कांट से कि वो खेलेगा या नहीं, वेदर ही विल प्ले और नॉट। दूसरा सेंटेंस है, वो नहीं जानता था कि लोग आएंगे या नहीं, दोबारा यहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ही डिडंट नो वेदर पीपल वुड कम और नॉट, हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और, वी डोंट नो वेदर ही गोज देयर और एल्सवेयर, एल्सवेयर या फिर आप कह सकते हैं समवेयर एल्स। नो सूनर हैड और देन का प्रयोग किस तरह के सेंस में, जब किसी वाक्य में ही था का सेंस आता है, लेकिन किस तरह से, ये उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट को आपने समझा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको बेहतर क्लियर होता जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए, ही था, मैं पहुंचा ही था, मैंने ये काम किया ही था कि वो हो गया, मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए, नो सूनर हैड आई रीच्ड, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। और यहां पर जो देन यूज किया जाता है THAN, तुलनात्मक, तुलना की बात हो रही है, एक काम की दूसरे काम से तुलना, कि ये काम हुआ ही था कि वो हो गया, दूसरा काम एक काम से तुलना की जा रही है, राम को मैंने फोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया, नो सूनर हैड आई कॉल्ड राम देन ही मैसेज मी। इसी तरह से सेंटेंस है, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। हम सोए ही थे कि बारिश होने लगी, नो सूनर हैड वी स्लेप्ट देन स्टार्टेड रेनिंग। तो इस तरह के वाक्य इस कॉन्सेप्ट में आते हैं, जब भी किसी वाक्य में न केवल ये बल्कि वो भी, या यही नहीं वो भी,
इस तरह का सेंस आता है तो आप नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। वो न केवल क्रिकेटर है बल्कि फुटबॉलर भी है, या मैं कह सकता हूं वो क्रिकेटर ही नहीं फुटबॉलर भी है। ही इज नॉट ओनली ए क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। वो है न केवल एक क्रिकेटर, नॉट ओनली ए क्रिकेटर बट ऑल्सो, बल्कि फुटबॉलर भी, बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऑल्सो की जगह ऑल्सो का ही यूज करना है। ये नहीं कि कई बार गलती करते हैं कि बट के बाद, कई लोग इस तरह से भी फॉर्मेशन बनाते हैं, ही इज नॉट ओनली ए क्रिकेटर बट अ फुटबॉलर टू। भी के लिए ऑल्सो की जगह टू का प्रयोग कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप नॉट ओनली का यूज करते हैं तो बट ऑल्सो का यूज करना कंपल्सरी है। इसी तरह से देखिए एक सेंटेंस है, वो न केवल मेरा दोस्त है बल्कि तुम्हारा भाई भी है। या फिर मैं कह सकता हूं वो मेरा दोस्त ही नहीं तुम्हारा भाई भी है। ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर ब्रदर। वो है, ही इज न केवल मेरा दोस्त, नॉट ओनली माई फ्रेंड, बल्कि तुम्हारा भाई भी, बट ऑल्सो योर ब्रदर। वो न केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी बोलना भी जानता है। या मैं यूं कहूं वो अंग्रेजी ही नहीं पंजाबी बोलना भी जानता है। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो पंजाबी। अदरवाइज और एल्स बहुत ही सिंपल कंजंक्शंस हैं। इन दोनों ही कंजंक्शंस का प्रयोग वरना के सेंस के लिए या नहीं तो के सेंस के लिए किया जाता है। किस तरह से किया जाना है ये बात उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं मेहनत करूंगा वरना फेल हो जाऊंगा। आई विल वर्क हार्ड वरना, वरना के लिए आपने क्या यूज किया, अदरवाइज आई विल फेल। सही पता लिखो वरना कूरियर कहीं और जा सकता है। राइट द करेक्ट एड्रेस। और एल्स, आप वरना के लिए अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं और एल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अदरवाइज कूरियर मे गो समवेयर एल्स, या आप कह सकते हैं और एल्स कूरियर मे गो समवेयर एल्स। तो जहां पर अदरवाइज का यूज आप करते हैं, आप और एल्स का भी प्रयोग वरना के सेंस के लिए कर सकते हैं। मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा, यानी मत जाओ वरना वो तुम्हें डांटेगा। डोंट गो अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू, या आप कहिए डोंट गो और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू। अभ्यास करो नहीं तो जीतना मुश्किल है। डू प्रैक्टिस, डू का यूज किया यहां पर। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि क्यों डू का यूज किया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस में, थोड़ा जोर देने के लिए। डू प्रैक्टिस अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू विन, या आप कह सकते हैं डू प्रैक्टिस और एल्स इट्स डिफिकल्ट टू विन। प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग दोनों का ही प्रयोग, बशर्ते, शर्त यह है कि, पर तब जब, इस तरह के सेंस वाले वाक्यों में किया जाता है जब कंडीशन की बात होती है, किसी शर्त की बात होती है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैं तुमसे मिलूंगा पर तब जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम राम के बारे में नहीं पूछोगे। मैं तुमसे मिलूंगा पर तब जब, बशर्ते, या आप कहना चाहते हो मैं तुमसे मिलूंगा पर शर्त यह है, कंडीशन दिया आपने, तो आप प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड का यूज कर सकते हो। आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क अबाउट राम, या आप कह सकते हो आई विल मीट यू प्रोवाइडिंग यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क अबाउट राम। वो आएगा पर तब जब राम ना आए, आपने कंडीशन रख दी, वो आएगा बशर्ते राम ना आए। ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डजन कम। मैं तुम्हें पैसे दूंगा बशर्ते तुम मेरा काम करो। आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड यू डू माई वर्क। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड दोनों के साथ आप दैट का प्रयोग करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आप प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट, जब भी किसी वाक्य में ताकि का सेंस आता है तो सो दैट का प्रयोग किया जा सकता है। किस तरह से, ये बात उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। मैं मेहनत करूंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस है। मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, ताकि, सो दैट, मैं पास हो सकूं, सकूं या पाऊं, इसके लिए आप कुड का यूज करते हैं, आई कुड पास। सही पता लिखो ताकि कूरियर कहीं और ना चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस।
सो दैट कुरियर डजन गो एल्सवेयर, मत जाओ ताकि वो तुम्हें न डांटे। डोंट गो, मत जाओ के लिए आप कहते हैं डोंट गो। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसके बारे में इंपेरेटिव्स में मैंने आपको बताया था। डोंट गो सो दैट ही डजन स्कॉल्ड यू। अभ्यास करो ताकि तुम जीत पाओ, अभ्यास करो, डू प्रैक्टिस सो दैट यू कुड विन। सो हेंस, हेंस फोर्थ, दैट्स व्हाई, देयर फोर, दैट्स द रीजन। इसलिए जब किसी वाक्य में आता है तो इनमें से किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग आप वहां पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं गया इसलिए तुम आए, बहुत ही सिंपल सेंटेंस। आई वेंट सो यू केम, आई वेंट हेंस यू केम, आई वेंट हेंस फोर्थ यू केम, आई वेंट दैट्स व्हाई यू केम, आई वेंट दैट्स द रीजन यू केम। इनमें से किसी का भी यूज आप यहां पर कर सकते हैं, सेंस बिल्कुल सेम है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, वाक्य के अनुसार सो हेंस, हेंस फोर्थ, दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन, देयर फॉर, इनका प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य के ऊपर निर्भर करता है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इन पर्टिकुलर कंजंक्शंस का यूज किस तरह से सेंटेंसेस में किया जाना चाहिए, तो आपको ये बेहतर समझ आ पाएगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इसलिए के लिए इन सभी कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। स्टिल और इवन नाउ, जब भी किसी वाक्य में अभी भी या आज भी का सेंस आता है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए रूल नंबर वन, स्टिल इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द वर्ब। स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और वर्ब से पहले किया जाता है। वेयर एज, जबकि इवन नाउ इज यूज्ड एट द बिगिनिंग और एट द एंड। इसका मतलब है कि इवन नाउ का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में या सेंटेंस के अंत में किया जाएगा। दूसरा रूल देखिए, इवन नाउ इज नॉट ऑफन यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इवन नाउ का प्रयोग अक्सर प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जाता। जब हम बोलते हैं अक्सर, इसका मतलब यह है कि इवन नाउ का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जा सकता है, लेकिन अक्सर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, स्टिल के साथ आप कैसे बना सकते हैं, आई एम स्टिल स्टडिंग, हेल्पिंग वर्ब है एम, स्टडी मेन वर्ब। तो यहां पर आप कह सकते हैं आई एम स्टिल स्टडिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल का यूज किया और वर्ब से पहले। या फिर आप कह सकते हैं आई एम स्टडिंग इवन नाउ। मैंने आपको बताया कि इवन नाउ का प्रयोग सेंटेंस की स्टार्टिंग और एंड दोनों जगह किया जा सकता है। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इवन नाउ आई एम स्टडिंग, वो अभी भी वहां जाती है, She still goes there। यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब है। वर्ब कौन सी है आपके सामने, गो। गो मतलब जाना, ये क्रिया है। तो क्रिया से जस्ट पहले स्टिल का यूज किया, She still goes there। या आप कह सकते हैं इवन नाउ शी गोज देयर। सेंटेंस है अमन अभी भी खेल रहा है, अमन इज स्टिल प्लेइंग। या आप कह सकते हैं अमन इज प्लेइंग इवन नाउ। और अब देखिए आपके सामने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो आज भी आता है, डज ही स्टिल कम। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक वाक्यों में आप स्टिल को प्रेफरेंस दीजिए, तो आप स्टिल का प्रयोग यहां पर करिए। आप चाहें तो इवन नाउ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं डज ही कम इवन नाउ, दैट्स व्हाट, यही तो, वही तो, यही बात तो, या वही बात तो। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वही तो हम सोच रहे थे, दैट्स व्हाट वी वर थिंकिंग, यही बात तो आप पूछ रहे थे, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग, वही बात तो उसने हमें समझाई थी, दैट्स व्हाट ही मेड अस अंडरस्टैंड, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स हाउ। जिसका प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जब सेंस आता है ऐसे ही या इसी तरीके से, इसी तरह से। ध्यान रहे कि दैट्स हाउ का प्रयोग सिर्फ तब किया जाता है जब कुछ करने के तरीके की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैंने ऐसे ही तो सीखा, यानी मैंने इसी तरीके से तो सीखा, इसी तरह से तो सीखा, दैट्स हाउ आई लर्न्ड, इसी तरह से उसने मुझसे बात की, दैट्स हाउ ही स्पोक विद मी,
वो ऐसे ही खाना खाता है, वो इसी तरीके से ही खाना खाता है। दैट्स हाउ ही ईट्स द फूड। मैंने ऐसे ही तो पूछा था, मैंने इसी तरीके से तो पूछा था। दैट्स हाउ आई हैड आस्क्ड। आप इसी तरह से वहां पहुंच सकते हो, यानी आप ऐसे ही वहां पहुंच सकते हो, यानी आप इसी तरीके से वहां पहुंच सकते हो। दैट्स हाउ यू कैन रीच देयर। वो सबसे ऐसे ही बात करता है, इसी तरीके से बात करता है। दैट्स हाउ ही टॉक्स टू एवरीवन। दैट्स व्हेन, जब किसी वाक्य में उसी वक्त या तभी का सेंस आता है, तो दैट्स वन का प्रयोग किस तरह से किया जाना है, ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप समझेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि दैट्स वन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी समय की बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट अ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, मैं उसी समय पहुंच गया, उसी समय। दैट्स वेन आई रीच्ड। वो ठीक तभी घर आया, तभी। दैट्स वेन ही रीच्ड होम। अमन तभी मुझसे मिला था। दैट्स वेन अमन मेट मी। जब पापा आए उसी वक्त मम्मी भी आ गई। यहां पर भी वक्त की बात हो रही है, उसी वक्त, तभी। वेन डैड केम, दैट्स वेन इवन मॉम टर्न्ड अप। मैंने उसी वक्त उसे कहा था मत जा। दैट्स वेन आई टोल्ड हिम डोंट गो। दैट्स वेयर, जब भी किसी वाक्य में यही तो, वही तो, इसी जगह तो, या उसी जगह तो इस तरह का सेंस आए, तो दैट्स वेयर का प्रयोग किस तरह से किया जाना है, ये बात आप जानेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। दैट्स वेयर का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी स्थान की बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट अ प्लेस। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहीं तो मैं रहता हूं। देखिए जगह की बात हो रही है, यहीं तो मैं रहता हूं। दैट्स वेयर आई लिव। वहीं तो हम रहा करते थे। दैट्स वेयर वी यूज टू लिव। यहीं मैं पैदा हुआ। दैट्स वेयर आई वॉज बॉर्न। वहीं पर तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। दैट्स वेयर आई हैड टोल्ड यू अबाउट इट। यहीं तो उसे पीटा गया। दैट्स वेयर ही वॉज बीटन। इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे हम उस दिन वहीं तो मिले थे। देखिए जगह की बात हो रही है, किसी जगह की बात हो रही है कि यहां पर मिले थे। दैट्स वेयर वी हैड मेट दैट डे। राम उसी जगह तो खड़ा था। दैट्स वेयर राम वॉज स्टैंडिंग। मैं वहीं तो जा रहा हूं। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स विच, जब भी किसी वाक्य में उसी को या इसी को का सेंस आता है किसी निर्जीव के साथ, तो आप दैट्स विच का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। यहां पर किसी चीज की बात हो रही है, किसी निर्जीव की बात। मान लीजिए मैं कहूं कोई पेन गुम हो गया और मैं कहूं कि उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं, तो यहां पर पेन की बात हो रही है, तो निर्जीव की बात हो रही है, तो मैं दैट्स विच का प्रयोग कर सकता हूं। दैट्स विच ऑल आर सर्चिंग। उसी पेन को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स द पेन ऑल आर सर्चिंग। इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूं। मान लीजिए किसी मोबाइल की बात हो रही है कि इस मोबाइल को मैं इस्तेमाल करता हूं, इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूं। दैट्स विच आई यूज। मैंने इसी पर तो किताब रखी थी। दैट्स विच आई हैव कैप्ट द बुक ऑन। मैंने उसी को खरीदा। दैट्स विच आई परचेज। मैंने उसी किताब को खरीदा। दैट्स द बुक आई परचेज। तो जब आप कहते हैं मैंने उसी को खरीदा, लेकिन यहां पर भी ये अंडरस्टूड है कि खरीदा किसको, किसी निर्जीव को, चाहे किताब हो, चाहे मोबाइल, चाहे पेन, चाहे पेंसिल, कुछ भी हो, लेकिन सेंस हमेशा किसी निर्जीव को खरीदने का होना चाहिए, तभी आप दैट्स विच का प्रयोग करेंगे। दैट्स हु और दैट्स हुम, जब भी किसी वाक्य में उसी को या इसी को, किसी सजीव की बात हो रही हो, उसी को या इसी को का सेंस आता है, तो आप दैट्स हु या दैट्स हुम का प्रयोग कर सकते हैं। उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। यहां पर किसको ढूंढ रहे हैं, किसी सजीव की बात हो रही है। मान लीजिए राम को सब ढूंढ रहे हैं। राम एक व्यक्ति है, उसको सब ढूंढ रहे हैं, तो राम की बात हो रही है, वो एक सजीव है, लिविंग बींग है, तो आप कहते हैं दैट्स हुम ऑल आर सर्चिंग, या आप कह सकते हैं दैट्स हु ऑल आर सर्चिंग। लेकिन दैट्स हुम कहना बेहतर विकल्प है, क्योंकि एडवांस इंग्लिश में हु को हुम ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है इस तरह के सेंस में। सर ने उसी को तो डांटा,
दैट्स होम, सर स्कॉल्ड इट, उसी को, वो व्यक्ति है एक, दैट्स होम सर स्कॉल्ड इट, मैंने उसी को पूछा था, दैट्स होम आई हैड आस्क्ड, उन्हीं को तो हमने बुलाया था, कई लोग हैं वो, लेकिन है तो व्यक्ति कोई सजीव, दैट्स होम वी हैड इनवाइटेड, लोगों ने इसी को तो पीटा था, दैट्स होम पीपल हैड बीटन, मैंने उसी को तो पेन दिया, वो एक व्यक्ति है कोई, मैंने उसी को तो पेन दिया, दैट्स होम आई गेव द पेन, टिल देन और बाय देन, दोनों का ही प्रयोग तब तक के सेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैंने तब तक उसे नहीं देखा था, यानी मैंने उस वक्त तक उसे नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन हर टिल देन, हम उस वक्त तक बाहर नहीं जाएंगे, यानी हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो आउट बाय देन, मैं उस वक्त तक तुमसे नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट यू टिल देन, उस वक्त तक यानी तब तक के लिए मैंने यूज किया टिल देन, तब तक का स्कोर क्या हुआ था, व्हाट वाज द स्कोर टिल देन, या मैं कह सकता हूं व्हाट वाज द स्कोर बाय देन, वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था, ही हैड नॉट रीच्ड ऑफिस बाय देन, उसने तब तक बर्गर नहीं खाया था, ही हैडन्ट ईटन बर्गर टिल देन, टिल देन या बाय देन, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं तब तक के सेंस के लिए, टिल द टाइम, बाय द टाइम और एज लॉन्ग एज, इन चारों ही कंजंक्शंस का प्रयोग सिर्फ एक सेंस जब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर में उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहूंगा, यदि जब तक के साथ वाला वाक्य, जैसे हम कहते हैं ना जब तक मैं नहीं आया, जब तक तुम नहीं आते, जब तक वो नहीं आएगा, जब तक के साथ वाला वाक्य यदि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में हो तो भी जब उसे बोला या लिखा जाएगा तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही बोला या लिखा जाएगा। ये आपको हो सकता है अभी कंफ्यूज करे, लेकिन जब एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जब तक मैं नहीं आता मत जाना, जब तक के बाद वाला वाक्य यहां पर तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में है तो कोई इशू नहीं है, आप इसे सिंपली कैसे बना सकते हैं, आप जब तक के लिए टिल, बाय द टाइम, टिल द टाइम या एज लॉन्ग एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहां पर प्रयोग करता हूं टिल का, मैं कहता हूं टिल आई डोंट कम, डोंट गो, मत जाना को क्या कहा मैंने, डोंट गो। दूसरा सेंटेंस देखिए, अब यहां पर जब तक मैं नहीं आऊंगा मत जाना, जब तक के बाद वाला, जब तक के साथ वाला जो वाक्य है वो फ्यूचर में है, मैं नहीं आऊंगा, गागेगी, तो लेकिन जब इसे बोला या लिखा जाएगा तो बोला या लिखा इसको प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही जाएगा, टिल आई डोंट कम, डोंट गो, इस तरह से। तीसरा वाक्य देखिए, जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए, जब तक के लिए आप कोई भी एक यूज कर लीजिए, टिल आई डिडंट कम यू डिडंट गो, डिड नॉट को क्या कहते हैं आप, डिडंट या डिडंट। एग्जांपल, जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, अब आप यहां पर देखिए जब तक के साथ वाला वाक्य राम नहीं आएगा, ये गागेगी फ्यूचर इनडेफिनेट, लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही, किस तरह से, बाय द टाइम राम डजंट कम वी विल नॉट गो, जब तक तुम यहां हो मैं खुश हूं, जब तक तुम यहां हो, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई एम हैप्पी। एक सेंटेंस है, जब तक वो आया मैं जा चुका था, बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट, जब तक मेरा परिवार साथ है मुझे परवाह नहीं, एज लॉन्ग एज माई फैमिली इज विद मी आई डोंट केयर। Until और unless, जब भी किसी वाक्य में जब तक नहीं का सेंस आता है तो until का प्रयोग, और यदि नहीं का प्रयोग आता है तो unless का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप रूल जान लीजिए, यदि जब तक के साथ वाला वाक्य फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में है तो भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही बोला या लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, जब तक मैं नहीं आता मत जाना, जब तक नहीं के लिए आपने until का प्रयोग किया, आप कहते हैं until I come डोंट गो, लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, जब तक मैं नहीं आऊंगा, अब ये देखिए यहां पर जब तक के साथ वाला वाक्य फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में है, जब आप इसे बनाएंगे, जब आप इसे बोलेंगे या लिखेंगे तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही लिखेंगे, अनटिल आई कम डोंट गो, जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए, अनटिल आई केम यू डिडंट गो, जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, अनटिल राम कम्स We will not go। जब तक नहीं के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, until।
राम आएगा, ये फ्यूचर में है लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट में। राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आप क्या लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग। तो यहां पर एस का प्रयोग आप करेंगे, अंटिल राम कम्स वी विल नॉट गो, जब तक तुम नहीं आते मैं यहीं रहूंगा, अंटिल यू कम आई विल स्टे हियर, जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा, जब तक नहीं के लिए अंटिल, अंटिल ही केम आई केप्ट स्टडीइंग, जब तक मेरा परिवार साथ नहीं था मैं कमजोर था, अंटिल माई फैमिली वॉज विद मी आई वॉज वीक। अब देखिए यदि नहीं के कॉन्सेप्ट को, मैं जॉब छोड़ दूंगा यदि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, यदि नहीं का प्रयोग होता है तो अनलेस का आप यूज किस तरह से कर सकते हैं, आई विल क्विट द जॉब, मैं जॉब छोड़ दूंगा अनलेस, यदि नहीं आई गेट अ पे हाइक, अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, अगर मेरी पे नहीं बढ़ी। अनलेस में ही नॉट भी है, यदि नहीं, राम नहीं पढ़ेगा अगर आपने उसे खेलने नहीं दिया, राम विल नॉट स्टडी अगर आपने उसे खेलने नहीं दिया, अगर नहीं यानी यदि नहीं, यदि नहीं के लिए अनलेस यू लेट हिम प्ले, यदि नहीं आपने उसे खेलने दिया। LEST लेस्ट, देखिए लेस्ट का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है, जब भी किसी वाक्य में सेंस आए कहीं ऐसा ना हो कि, या सेंस हो ये ना हो कि, और साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि लेस्ट के बाद आने वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो या किसी भी तरीके से बनाया गया हो। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं मेहनत करूंगा कहीं फेल ना हो जाऊं, यहां पर एक डर है कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाऊं, या फिर ये ना हो कि फेल हो जाऊं, तो इस तरह का सेंस आता है जब, तो आप लेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, सही पता लिखो ये ना हो कि कूरियर कहीं और चला जाए, राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कूरियर शुड गो समवेयर एल्स। व्हाइल WHILE, और कॉम्बिनेशन है व्हाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, करते हुए, जब भी किसी वाक्य में किसी काम को करते हुए किसी दूसरे काम को करने के बारे में बताया गया हो तो व्हाइल फॉर्मेशन के इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं सोते हुए व्हाइल स्लीपिंग, खेलते हुए व्हाइल प्लेइंग, देखते हुए व्हाइल वॉचिंग, मुस्कुराते हुए व्हाइल स्माइलिंग। लेकिन उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग व्हाइल वॉकिंग, दो काम एक साथ कर रहा हूं, एक है चलने का और एक है पढ़ने का, तो चलते हुए पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग व्हाइल वॉकिंग। या फिर व्हाइल वॉकिंग का प्रयोग आप शुरुआत में भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं व्हाइल वॉकिंग आई एम रीडिंग, वो खेलते हुए कुछ सोच रहा था, वो सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग कुछ समथिंग, क्या करते हुए, खेलते हुए व्हाइल प्लेइंग, या आप कह सकते हैं व्हाइल प्लेइंग ही वॉज थिंकिंग समथिंग। एक एग्जाम्पल है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है, क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है, डज राम ईट द फूड व्हाइल स्टडिंग, वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था, वो दो काम एक साथ कर रहा था, तुम्हें देखने का और मुझसे बात करने का, तो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग यू, या कह सकते हैं ही वॉज लुकिंग एट यू व्हाइल टॉकिंग टू मी। वेयर एज और व्हाइल, इन दोनों ही कंजंक्शंस का प्रयोग जबकि के सेंस के लिए भी किसी वाक्य में किया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, दूल्हा केवल 20 साल का है जबकि दुल्हन 30 की, दूल्हे को ग्रूम कहते हैं, दुल्हन को ब्राइड कहते हैं, द ग्रूम इज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड वाइल द ब्राइड इज 30। आप वाइल की जगह वेयर एज का प्रयोग भी यहां पर कर सकते हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि आपके पास 50 रुपए, आई हैव 10 रुपीज वेयर एज यू हैव 50 रुपीज, अयांश के पास एक पेन है जबकि मेरे पास 4, अयांश हैज 1 पेन वाइल आई हैव 4। यहां पर आप कह सकते हैं 4 पेन्स, लेकिन बार बार पेन कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि बात पेन की ही हो रही है, हमारे साथ 5 लोग हैं जबकि उनके पास 50, या उनके साथ 50, वी हैव 5 पीपल वेयर एज दे हैव 50 पीपल।
WH फैमिली यूज्ड एज अ कंजंक्शन। मैंने WH फैमिली के सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हूज, हुम, विच। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि WH फैमिली के मेंबर्स को, इन वर्ड्स को आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में, और साथ ही साथ इनको कंजंक्शंस की तरह भी यूज किया जा सकता है, जो इस वीडियो लेक्चर में हम आज उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए WHAT, व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन जब आप कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो जो के सेंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ। WHO, हु का मतलब होता है कौन इंटरोगेटिव्स में, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो मतलब होता है जो, लिविंग बीइंग के साथ, सजीव के साथ। आगे उदाहरण में आपको एक एक कंजंक्शंस को, एक एक WH फैमिली मेंबर्स को, जिनको मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इनका प्रयोग किया जाएगा, आप इसे समझ पाएंगे। विच, जिसका मतलब होता है इंटरोगेटिव्स में कौन सा, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो मतलब होता है जो, नॉन लिविंग के साथ। WHOSE, हूज मतलब किसका इंटरोगेटिव्स में, और कंजंक्शन में जिसका, सजीव के साथ। ऑफ विच, इसका भी मतलब होता है जिसका, नॉन लिविंग के साथ, और जब आप प्रश्नवाचक में इसका यूज करते हैं तो आप कहते हैं किसका। WHERE, वेयर मतलब कहां, कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करेंगे तो कहेंगे जहां। WHOM, whom, प्रश्नवाचक में आप कहते हैं किसे, और कंजंक्शन की तरह जब आप यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसे। WHEN, प्रश्नवाचक में आप कहते हैं कब, when मतलब कब, और जब कंजंक्शन में यूज करते हैं तो when का मतलब हो जाता है जब। HOW, how मतलब कैसे, और कंजंक्शन की तरह जब यूज करेंगे तो जैसे। With whom का मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है किसके साथ, और एज अ कंजंक्शन जब आप यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसके साथ। फॉर हुम, जिसका मतलब एज एन इंटरोगेटिव होता है किसके लिए, और जब आप कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो आप कहते हैं जिसके लिए। फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, और कंजंक्शन में जहां से। विदाउट हुम, किसके बिना, और कंजंक्शन में जब आप यूज करेंगे तो आप कहते हैं जिसके बिना। ये तो फिलहाल आप याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा, क्या तुमने सुना, डिड यू हियर, जो मैंने कहा, जो मैंने कहा, तो जो मैंने कहा वो निर्जीव है। निर्जीव के साथ आप व्हाट का यूज कर सकते हैं, विच का भी यूज कर सकते हैं, व्हाट आई सेड, या फिर आप कह सकते हैं विच आई सेड। मैं भी आया जहां से आप आए, जहां से, यू तो फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहां से, लेकिन इंटरोगेटिव्स में, कंजंक्शंस में जब आप यूज करेंगे जहां से के लिए तो आप कहते हैं फ्रॉम वेयर। I also came from where you came. लेकिन एडवांस इंग्लिश में कई बार होता क्या है, जैसे from where में from को sentence के end में भी use किया जा सकता है। जैसे आप कहें I also came where you came from. आपने अक्सर ऐसा सुना होगा और newspapers में भी अक्सर इस तरह से पढ़ा होगा कि from, for, इन सभी prepositions का use जो कि WH family के साथ लग करके आते हैं, इनका use sentence के end में कर दिया जाता है, यानी इनको starting से उठा के end में लाया जाता है। मैं वो हूं जिसके लिए तुम आए हो, मैं वो हूं, आई एम द वन, जिसके लिए तुम आए हो, जिसके लिए को आप क्या कहते हैं, फॉर हुम यू हैव कम, या आप कह सकते हो आई एम द वन हुम यू हैव कम फॉर। आप फॉर का प्रयोग सेंटेंस के एंड में भी कर सकते हो। ये राम है जिसका भाई मेरे साथ था, दिस इज राम हुज ब्रदर वॉज विद मी। जिसका भाई, जिसका के लिए आपने क्या यूज किया, हुज, मैंने आपको बताया था सजीव के साथ में जिसका के लिए आप यूज करेंगे हुज। और जब हम कहते हैं ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है, ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है, यहां पर देखिए घर की बात हो रही है, घर एक निर्जीव है, हुज का प्रयोग नहीं करेंगे जिसका के लिए या जिसकी के लिए, आप यूज करेंगे ऑफ विच का। किस तरह से आप यूज करेंगे, दिस इज द हाउस, ये घर है, दिस इज द हाउस, द रूफ ऑफ विच, जिसकी छत, द रूफ ऑफ विच इज वीक, वीक मतलब कमजोर। तो यहां पर देखिए जिसका के लिए जब सजीव की बात आई तो आपने हुज का प्रयोग किया, और जब निर्जीव की बात आई तो आपने ऑफ विच का प्रयोग किया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें आपको और
क्लियर होती जाएंगी। ये राम है जिसके साथ मैं खेलता था, दिस इज राम विद हुम आई यूज टू प्ले, जिसके साथ के लिए देखिए आपने क्या यूज किया विद हुम। ये अमन है जिसके बिना मुझे अकेलापन लगता है, दिस इज अमन विदाउट हुम आई फील लोनली, जिसके बिना विदाउट हुम आई फील लोनली। राम जो मेरे साथ था उसका भाई है, राम हु वॉज विद मी इज हिज ब्रदर, जो मेरे साथ था, जो था मेरे साथ। किसकी बात हो रही है? एक सजीव की बात हो रही है। सजीव के साथ आप क्या यूज करते हैं? हु, जो के लिए आप हु का प्रयोग कर सकते हैं। राम हु वॉज विद मी इज हिज ब्रदर, और साथ ही साथ आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं इस तरह के वाक्यों में जो के लिए, राम दैट वॉज विद मी इज हिज ब्रदर। पेन जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है, द पेन विच आई हैड इज नॉट योर्स, और दैट का प्रयोग भी हम जो के लिए कर सकते हैं। तो इससे आपको ये पता लगता है कि हु का प्रयोग सजीव के साथ, विच का प्रयोग निर्जीव के साथ, लेकिन दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के साथ आप कर सकते हैं। जब तुम थे सब कुछ था, वेन यू वर देयर आई हैड एवरीथिंग, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे के लिए आप हुम यूज करेंगे कंजंक्शन की तरह, जिसे तुम ढूंढ रहे हो यही है, कोई सजीव है वो, हुम यू आर सर्चिंग इज हियर इटसेल्फ। तो इस तरह से सभी कंजंक्शंस को हमने कवर किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछे थे, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर जो सही ऑल्टरनेटिव है वो येलो कलर में है। क्वेश्चन नंबर वन में हु या दैट आप दोनों का यूज कर सकते हैं, ये बात मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी। विच का यूज आप नहीं कर सकते, ही हु वाज विद मी इज माय ब्रदर, या फिर ही दैट वाज विद मी इज माय ब्रदर, वो जो मेरे साथ था मेरा भाई है। क्वेश्चन नंबर टू में आप जानते हैं लेस्ट के बाद आने वाले सेंटेंस क्लॉज में आप शुड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा, यहां पर सही ऑल्टरनेटिव है अनलेस। अनलेस का मतलब है इफ नॉट। इस सेंटेंस को आइडियली हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इफ का यूज करें और हम कह सकते हैं इफ ही डजंट स्टडी वेल ही विल फेल। अनलेस में तो नॉट खुद ही है, इसलिए अनलेस के साथ में जो सेंटेंस लग करके आता है, जो क्लॉज लग करके आता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनता है और साथ ही साथ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में। क्वेश्चन नंबर फोर में ऑफ विच सही ऑल्टरनेटिव है, वीडियो लेक्चर में आप जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में आई डोंट नो वेदर ही लाइक्स मी और नॉट, आप जानते हैं वेदर के साथ और का कॉम्बिनेशन, ये बात मैंने आपको बताया इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई डोंट ईट इट, मैं ये नहीं खाता, आप भी ये नहीं खाते, नाइदर डू यू या नॉर डू यू, नाइदर या नॉर दोनों ही ऑल्टरनेटिव में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, अयांश अभी भी अविरत को कॉल करता है, यहां पर सही ऑल्टरनेटिव है स्टिल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टिल का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है। यहां पर जो मेन वर्ब है वो कॉल करना, उससे पहले आप किसका यूज करेंगे? स्टिल का यूज। हालांकि यहां पर आप इवन नाउ का भी यूज कर सकते थे, लेकिन इवन नाउ का यूज तब होता है जब सेंटेंस की शुरुआत में हो या फिर सेंटेंस के एंड में। अयांश कॉल्स अविरत इवन नाउ, या फिर इवन नाउ अयांश कॉल सविरत। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ब्लैंक दिया गया है वो कॉल से पहले है, मेन वर्ब से पहले है, इसलिए आपने स्टिल का यूज किया। तो गाइज अब मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर, गुड बाय।